इस समय हम लोग भास्करा इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाईसैग में हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा बोर्ड भी दिखाए और इधर भी दिखाए। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बाईसैग में आए हुए हैं। अरे कैमरामैन थोड़ा मेरी तरफ करो। हाँ, हम लोग बाईसैग में आए हुए हैं। हम लोग का मतलब है हम लोग उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीम संयुक्त रूप से यहाँ आई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने एक MSS सिस्टम बनाया हुआ है, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। उसके लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट का काम हम लोग कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बाकी काम ये पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद हम लोग यूपी स्टेट में किया जाना यहाँ प्रस्तावित है। स्टेट DGM से हमारे साथ SK सिंह साहब भी आए हुए हैं। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि आप भी कुछ बताइए, आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे यहाँ के बारे में। BISAG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोडल एजेंसी नामित की गई है। BISAG साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको ये नामित किया गया है फॉर ऑल द स्टेट्स। IBM मुख्यतः मेजर मिनरल्स के लिए वर्किंग करती है और ये सॉफ्टवेयर मेनली माइनिंग सर्विलांस सिस्टम ये मेजर मिनरल्स के लिए स्टार्ट किया गया था, परंतु अब गवर्नमेंट का आइडिया है कि इसमें स्टेट में जितने माइनर मिनरल्स हैं उसकी भी इससे सर्विलांस की जाए। अब इसमें फर्दर अब हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये सर्विलांस कैसे किया जा सकता है, कैसे सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन होगा इत्यादि की जानकारी के लिए संयुक्त रूप से रिमोट सेंसिंग स्टेट रिमोट सेंसिंग एजेंसी और डायरेक्टरेट जियोलॉजी माइनिंग ऑफ द यूपी स्टेट वो यहाँ पे बुलाया गया है फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस। अब हम लोग फर्दर अंदर चलेंगे और वहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे हम लोगों को पूरा करना है। और अब ये देखिए, अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं BISAG के अंदर। बगल में जैसा कि आप देख सकते हैं चैनल वगैरह हैं। ये यहाँ पे TP सिंह साहब जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सलाहकार भी हैं, वो यहाँ पे इनका चैनल प्रस्तावित है। इसको वंदे गुजरात भी नाम दिया गया है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है इनकी, ये सेटकॉम नाम से जानी जाती है, जो BISAG की सबसे पुरानी यही बिल्डिंग है सेटकॉम। इसी में से चैनल वगैरह सारे प्रस्तावित होते हैं, सारे चलते हैं। एक नई भी बिल्डिंग बन रही है जो कि आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए, जो सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बिल्डिंग है। BISAG को अगर मोटा मोटा डिवाइड किया जाए तो चार उसमें डिवाइड होता है। एक ये जो सामने दिख रही है मेन जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बिल्डिंग, ये सेटकॉम की बिल्डिंग, और ये एक जो बहुत बड़ा जो मेन इनका बिल्डिंग है, ये मुझे लगता है पेड़ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये इनका एकेडमिक ब्लॉक है पूरा। और जो लास्ट और अंतिम ब्लॉक है वो कैंटीन ब्लॉक है, जिसके ऊपर इनकी लाइब्रेरी भी है। हाँ, तो ये चार उसमें डिवाइडेड है। आगे हम दिखाएंगे इसमें। हम लोग का जो मेन काम है सबसे शुरुआती, वो इन्फॉर्मेटिक्स बिल्डिंग में है जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं।